नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी संघर्ष की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और उत्तर प्रदेश की राजनीति संस्कृति की राजनीति। संस्कृति, सौहार्द और अपनापन, और होना भी चाहिए भाई। अगर सौहार्द और अपनापन नहीं होगा तो राजनीति में जो एक चुनावी मलहम होता है या सहानुभूति का मलहम होता है वो कैसे लगेगा। खैर, राजनीति में तमाम तरह के बयान आते रहते हैं और मलहम लगाए जाते रहते हैं, पर मलहम से अलग यहाँ पर जो दृष्टिकोण है वो अलग चलता रहता है। आज हम बात कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लगातार तीसरी मुलाकात की। ये मुलाकात राजनीतिक नहीं, ये मुलाकात व्यवस्था की है, सामाजिकता की है और मलहम की है। अभी हाल में हमने देखा अखिलेश यादव अपने विधायक रमाकांत यादव से मिलने गए आजमगढ़ में, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई कानपुर जेल में निरुद्ध इरफान सोलंकी, जो कि उनके विधायक है कानपुर से, उनसे, जिन पर तमाम तरह के मुकदमे चल रहे हैं। और आज उनकी तीसरी मुलाकात हुई गरौठा से पूर्व विधायक और झांसी यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक यादव से मिलने आज वो झांसी के जिला जेल में गए। मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने प्रशासन पर और सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। मुलाकात अहम भी है, पर मुलाकात पे संवेदनशीलता भी है और एक प्रश्न भी है कि भाई अखिलेश यादव है जो 27 महीने सीतापुर की जेल में बंद रहे, आजम खां से मिलने नहीं गए, क्यों नहीं गए, बड़ा प्रश्न है। और इसके साथ साथ उनके एक विधायक बरेली की भोजीपुरा विधानसभा सीट से सहजिल इस्लाम, उनसे भी मिलने नहीं गए। हालांकि बंद नहीं थे, जेल में निरुद्ध नहीं थे, पर उनके पेट्रोल पंप पर भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही, उनकी बिल्डिंग पर भी बुलडोजर गिराया। तब उन्होंने कहा कि सपा से कोई भी बड़ा नाम मेरे पास नहीं आया मेरे सहयोग के लिए। भाई जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए, मजबूरी थी या जिम्मेदारी थी या जरूरत थी या फिर एहसास नहीं था। खैर, क्या एहसास है क्या एहसास नहीं है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने तीसरे साथी से मिलने कहाँ गए, साथी बोलेंगे क्योंकि पुराने साथी हैं, और शायद अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी पुरानी गलती से सबक ले रहे हैं, यानी उनका जो MI फैक्टर है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, और जो पुरानी गलतियाँ उन्होंने की हैं आजम खां से ना मिलकर, सरजिल इस्लाम से ना मिलकर, उस गलती को यहाँ पर वो सुधारते नजर आ रहे हैं। कहा जाता ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो वहीं आज उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर तंज करते हुए कहा कि जो प्राधिकरण को बढ़ावा देते हैं, जो अराजकता को बढ़ावा देते हैं और जो जेल में मिलने जा रहे हैं, हो सकता है कि वो भी एक कुछ ऐसे काम कर दें कि वो भी जेल चले जाएं, या उनकी व्यवस्था भी जेल हो सकती है या वो भी जेल जा सकते हैं। खैर, बयान के मायने क्या है, तो वहीं एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय और है कि आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता की अपने आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर केवल अधिकारियों और मंत्रियों घुमा रही है, और केवल समिट के नाम पर घोटाला हो रहा है, और केवल जनता के गाड़ी मेहनत की कमाई का यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, फिर कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये उनके सामने संकट है, उनकी जो पार्टी है उस पार्टी में जो उनके विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका इतिहास उसी प्रकार का, लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कानून का पालन करवाने के लिए संकल्पित है। वो जिस प्रकार की परिस्थिति या मैसेज देना चाहते हैं उस मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है, और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था, और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है।
महत्वपूर्ण चर्चा के विषय मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। सपार हुसैन भाई भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, इमरान लतीफ भाई प्रवक्ता आपके अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन सिंह यादव भाई अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में उनके फायरमैन प्रवक्ता बीरज सिंह भाई अपना पक्ष रखेंगे और आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा नितिन भाई से रहेगा। नितिन भाई, भाई अगर अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं, भाई जिम्मेदारी है उनकी, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथी हैं और मिलना सबको चाहिए भाई। अगर कोई आदमी कहीं निरुद्ध है और उसको दिक्कत हो रही है, वो कह रहा है कि सरकार द्वारा हमारा जानबूझ के शोषण किया जा रहा है, तो ये सपा प्रमुख के परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है, उसको जाना चाहिए। हालांकि पहले नहीं जा पाए थे, पर इस तरह जब जब उन्होंने इस चीज़ को समझा तो मिलने जा रहे हैं, लगातार उनकी तीसरी मुलाकात यहाँ पर है, तो ये दर्द क्यों हो रहा है सत्ता पक्ष को और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी जेल जाएंगे? जी धन्यवाद गौरव जी। जी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये दर्द क्यों हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। जी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जी हमारे जहां जहां जिन जिन कार्यकर्ताओं के साथ शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, तो जहां वो उचित समझ रहे हैं वो जा रहे हैं, जहां और नेताओं की जरूरत है वहां और लोग जा रहे हैं। 27 महीने छुट्टी पे थे क्या? सवाल भाई प्लीज गौरव भैया जी, मैंने आपको पिछली बार कहा भाई प्लीज प्लीज पहले टर्न पे नहीं, पहले टर्न भैया गौरव भैया 27 महीने अखिलेश जी सफर पे, सफर पे, सफर वैसे नहीं, डिबेट ये डिबेट तरीका नहीं प्लीज, पहला टर्न का कुछ नहीं, दूसरा टर्न में बोलिए आप, बोलिए नितिन भाई बोलिए। ठीक है, बोलिए बोलिए नितिन भाई बोलिए। गौरव भाई मैंने हमें हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। जी मैंने पिछली बार भी कहा था मैं प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करूंगा, जी जो पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होगा मैं उसके साथ डिबेट करूंगा, जी मैं अराजक और अपराधी टाइप, ये देखिए अपराधी हैं, ये स्वयं अपराध कर रहे हैं, जब किसी की आवाज उचलने की जो आदमी कोशिश कर रहा है उससे बड़ा अपराधी, उससे बड़ा गुंडा कोई हो नहीं सकता है। और मैंने आपसे पिछली बार माफी मांगी थी कि मैं अराजक लोगों के साथ डिबेट नहीं करता हूं, मैं प्रवक्ता हूं, अधिवक्ता हूं, ठीक है, मैं कोई सड़क छाप इनके जैसा लुच्चा गुंडा नहीं हूँ। मैंने कहा था ये जाहिल आदमी है, दोबारा इनके साथ में डिबेट नहीं करूंगा। मैं आज माफी मांगता हूँ आपसे, आपके चैनल से, कि मैं आज ये डिबेट छोड़ रहा हूँ, मैं इस जाहिल आदमी के साथ डिबेट नहीं करूंगा। मुझे माफ करिएगा, आप पहले बता देते कि ये जाहिल आदमी बैठेगा तो मैं आपके साथ डिबेट नहीं करता। नितिन भाई मैंने आपसे कहा था कि मुझे प्रवक्ता बैठा लिएगा ना, गलत बात, आप प्रवक्ता बैठा लिएगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ और आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप अच्छे व्यक्ति है हमारे मित्र है, नितिन जी मैं आपके साथ हूँ, डिबेट नहीं होगी ये। नितिन भाई बिल्कुल नितिन जी छोड़ दिए, मैं भी छोड़ रहा हूँ ये आदमी, आमिर भाई अगर ये बोलेंगे गलती आपकी है, नहीं गलती आपकी, इसको नहीं बिठाना चाहिए आपको। आमिर भाई अगर अगर ये अब बोलेंगे पहले टर्न में तो आप लोग बिल्कुल छोड़ सकते हैं, मेरी पहली बार रख लीजिए। हाँ बिल्कुल छोड़ लो, ठीक है बिल्कुल छोड़ लो। अगर अगर पहले टर्न में बोलेंगे आमिर भाई, अगर पहले टर्न में बोले तो आप छोड़ सकते हैं, बोलिए पहला टर्न बोल लीजिए। नितिन भाई अपनी बात पूरी करिए और अगली बार मैं कोशिश करूंगा इनको ना बैठाऊंगा आपके साथ में। जी बोलिए। बिल्कुल गौरव जी मैं आपके बात का सम्मान करता हूँ। नितिन भाई एक्चुअली आज क्या हुआ है, आमिर भाई आप भी रुक जाइए, गौरव भाई अपने साथी हैं, मित्र हैं, इनका सम्मान हम लोग करेंगे। नितिन भाई एक्चुअली क्या हो रहा है, आज हमारे एक साथी थे बीजेपी के, उनका कुछ अर्जेंट कैजुअलिटी हो गई, इस कारण अर्जेंट में सपा भाई को मैं बुलाना पड़ा, इसको अन्यथा बन लीजिएगा। बोलिए बोलिए नितिन भाई, बोलिए नहीं आगे से प्रवक्ताओं को ही बुलाइए, प्रवक्ता नहीं है पहले, ठीक है भाई, और इनको या तो इनको थोड़े दिन के लिए अपने स्टूडियो में ट्रेनिंग दे दीजिए कि प्रवक्ता कैसे बात करते हैं। बिल्कुल किसी को पहले मौका दिया जाता है, आप अपने टर्न में बोलिएगा, दूसरा हम लोग यहाँ लाठी डंडे से लड़ने नहीं आए, हम बात कहने आए, जी बिल्कुल, हम अपना पक्ष रखने आए, आप बात नहीं रखने थे कि इससे ज्यादा। बोले नितिन भाई, बोले नितिन भाई, बोलिए 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 नितिन भाई, बोलिए बोलिए बात रखिए भाई, बोलिए। देखिए जी समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है, जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अभी आपने कहा कि केशव मौर्य जिस तरीके की बात कह रहे हैं, जी मैं ये बात कर रहा हूँ, केशव मौर्य का अपना एक इतिहास है, ठीक, उन्हें पता है मुकदमे कैसे लगते हैं, अपराध कैसे होता है, 50 से अधिक मुकदमे तो अन रिकॉर्डेड पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने हलफनामे में दे रखे,
ठीक, और उसमें हत्या के, लूट के, डकैती के, बलात्कार के, चोरी के सारे मुकदमे, ऐसा कोई गंभीर अपराध बचा नहीं है जो मुकदमे केशव मौर्य के ऊपर ना हो। तो केशव मौर्य को इसलिए मैं सीरियस नहीं ले सकता, जो केशव मौर्य खुद भारतीय जनता पार्टी की कृपा पर, अच्छा कृपा पर है, एमएलसी स्वयं अभी चुनाव हार कर आए हैं, भारतीय जनता की पार्टी की कृपा पर वो एमएलसी बनाए गए हैं और डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। अगर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी कोई बात कहते तो उसको जरा सीरियस लिया जाता, केशव मौर्य को छोड़ो, आप गंभीर व्यक्ति हो, समय प्रदेश के हालात क्या है, देश के हालात क्या है, इस पर चर्चा करिए। आज जो इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है पूरे देश पे अगर तुलना की जाए तो देश में 18वें स्थान पर है जी। ये छोटे छोटे राज्य भी उत्तर प्रदेश से बहुत आगे आर्थिक हालात पर है, जो आज चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की हालत। अभी आपने कहा और जो बात एमयू की पिछली बार हो चुकी थी कि 2000 करोड़ का एक फर्जी एमयू हो गया अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी से जिसके पास 25 कर्मचारी नहीं है। हाँ। अभी पिछली डिबेट पर हम लोग थे कि एमयू साइन हो रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कई सारे चीजें आ गई कि कितने फर्जी एमयू साइन हो गए जिसके कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को खुद में चिंतन करना चाहिए, खुद में समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के फ्रॉड का शिकार है। अगर वो फ्रॉड को पहले रोके और देश के और प्रदेश के विकास पे काम करे, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं इस पर बहुत ज्यादा उनकी हताशा और निराशा है, क्योंकि अभी मैनपुरी की जनता ने जवाब देना शुरू किया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रेविटी फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो जाकर एक ऊंचाई पर शून्य हो चुका है। अच्छा। अब वहां से नीचे आने की बारी शुरू हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के पतन के दिन शुरू हो गए हैं। अच्छा। प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ चुकी है और जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल जनमानस सड़कों पे आ रहा है, वो अब किसी से छुपा नहीं रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है सर, नितिन भाई की आवाज कट गई है। नितिन भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। तो मैं कह रहा भारतीय जनता पार्टी को स्वयं में आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। जिस तरीके से भी खतौली जी हार के आए, मैनपुरी हार के आए और रामपुर किस तरीके से जीता गया है इसकी लगातार दिल्ली में समीक्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बार बार बुलाए जा रहे हैं। अच्छा। और उनसे समीक्षा की जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश कार्यालय सारे जनपद और सारे प्रकोष्ठों को बुलाकर इनको फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत जो शुरू हुई है, अपने काम करें, समाजवादियों को अपने काम पता है कि क्या हमें और कौन से काम करने और जनहित में क्या हो सकता है, वो हम लोग अपना काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ग्रुप में इमरान भाई है। इमरान भाई आ तो संजय सिंह भी आए थे प्रेस वार्ता की और बड़े बड़े आरोप लगा दिए, कहे फर्जी एमयू साइन होना है 25,000 करोड़ का, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर। देखिए इन्वेस्टर समिट पे लगातार सवाल उठते रहे हैं और ये तो बहुत बड़ा घोटाला करने का काम योगी सरकार ने किया। जो यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर ब्लैक लिस्टेड है जी, और जिस यूनिवर्सिटी का अपना कोई ठीक ठाक वजूद भी नहीं है वहां पर जी, ले दे के 25 इम्प्लाई हैं, उसका कोई अपना ठीक ठाक क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, उस फर्जी विश्वविद्यालय के साथ जी योगी जी की सरकार ने 35,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है जी, जो एमयू साइन किया वो निश्चित रूप से संदेह के घेरे में है। दरअसल ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट समिटी है, ये पूरा इन्वेस्टमेंट समिट सिर्फ और सिर्फ दिखावे का नाम है। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी का नाम है, अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए सैर सपाटे का इंतजाम किया गया इस समिट के जरिए, और ना कहीं पर कोई रोजगार सृजन दिखा, ना कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट दिखा। यानी अगर आप जमीन पर देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट होते हुए नहीं दिखा, अगर दिखा है तो आम जनता की गाढ़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा है उसकी बर्बादी दिखी है। तो लगातार इस पर सवाल उठ रहा है, इतनी बार उन्होंने की क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बदला, हम तो पूछ रहे हैं कितने कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, किन सेक्टर में इन्वेस्ट किया, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों कितना मुनाफा हुआ प्रदेश के राजस्व में, कितना फायदा हुआ, कहां से हम आर्थिक रूप से मजबूत हुए, तो कहीं कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से पैसे की बर्बादी का मामला है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती है और
दिखावा करने का काम करती है, झूठी ब्रांडिंग करने का काम करती है, और यही राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह बेहद शर्मनाक मामला है कि जिस यूनिवर्सिटी का अपना ठीक ठाक वजूद ही नहीं है उसके साथ आपने इतना बड़ा MOU साइन कर लिया। अच्छा, क्या मुंह दिखाएंगे आप प्रदेश की जनता को जी? क्या कर रहे थे आप इन्वेस्टर समिट के नाम पर? अभी तक ये आज कच्चा चिट्ठा सबके सामने आम आदमी पार्टी के हमारे राज्यसभा सांसद हम लोगों के नेता ने सबके सामने रखने का काम किया है, और आज ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरह के ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, किस तरह से जनता को छलने वाले लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। आने वाला समय जो है इनको जवाब देने का काम जनता करेगी। जो निकाय का चुनाव है, 24 का चुनाव है, 27 का चुनाव है, निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सबार भाई, अब आपका टर्न है भाई। यहां पर नितिन भाई ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपना काम कर रहे हैं, भाई आपको क्या दर्द है? और प्रक्रिया है, आपके नेताओं पर भी तमाम तरह के मुकदमे हैं, वो हार गए हैं, उसके बावजूद उनका बड़बोलापन है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी जी बोलते तो भले हम उसको वजन लेते, और उनका कोई वजन हम नहीं लेते, वो तो बोलते रहते हैं। और यहाँ पर इमरान भाई, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने भी आरोप लगाए हैं कि इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुआ या ढिंडोरा बीजेपी पीट रही है, वो MOU भी फर्जी एक ब्लैक स्ट्रीट कंपनी के नाम है। 35,000 करोड़ का MOU है, और वो कंपनी ब्लैक स्ट्रीट है अमेरिका की, जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ बीजेपी 35,000 करोड़ के MOU की बात कर रही है। कैसे देखते दोनों मंडलों का जी? गौरव जी नमस्कार, और आप सभी भाइयों को नमस्कार जी। जी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जी, उन्होंने जो आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है दंगाइयों के साथ, और इस तरह के जो आरोप लगाए, मैं इनसे कहना चाहूंगा 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोग दंगाई प्रदेश कहते थे इसको, और जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, एक 5 साल का बच्चा उनको क्राइम मिनिस्टर के नाम से संबोधित करता था। अच्छा, और जो कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं, कौन सा बच्चा था वो? ये मेरी स्वयं की घटना है। अच्छा, अखिलेश जी का काफिला ये आपके लोहिया से निकल रहा था, लोहिया चौराहे से। अच्छा, तो सबको रोक दिया गया, तो मैं वहीं खड़ा हुआ था अपनी मोटरसाइकिल पे, बगल में एक वैन खड़ी थी जिसमें नर्सरी और KG के बच्चे थे, तो वो बच्चा जो है वो कहने लगा कि क्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो मैं पलट के उस बच्चे को देखने लगा, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक 5 साल के बच्चे के मन में प्रदेश की क्या छवि है, और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उनकी क्या छवि है जो उनको क्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अच्छा, क्योंकि उस समय लगभग 150 दंगे हुए इनकी सरकार में, और CO स्तर के अधिकारियों को जीप में बांध कर हजरतगंज में टहलाने का काम किया जाता था। अच्छा, और आपको बता दें जो ये जेल के जो दौरा कर रहे हैं, जैसे कि दौरा ही है, मिलना नहीं है, वो दौरा है। अच्छा, दौरा है वो, क्योंकि 27 महीने की छुट्टी पे अखिलेश यादव जी थे। अच्छा, जब इस प्रदेश में एक मुस्लिम जो इनका बहुत कद्दावर नेता था, वो जेल में बंद था अपने पूरे परिवार के साथ। है भाई? नहीं, अब नहीं है। अच्छा, अब खत्म हो गए वो, क्योंकि उनके सामने आए। अच्छा, लेकिन वो मुसलमान था और मैं भी एक मुस्लिम हूँ, और मैं ये कहूँगा कि अखिलेश यादव जी मुस्लिम विरोधी है, इसलिए वो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता जो उनके पिताजी के साथ और उनके चाचा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को खड़ा किया, और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को धोखा देकर छल कर समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया, तो उसी की उनको सजा मिल रही है। उससे उनसे मिलने वो एक बार भी नहीं गए, और जो आजमगढ़ और झांसी मिलने गए हैं, ये विधायकों से मिलने नहीं गए हैं, क्योंकि वो विधायक यादव हैं, बिरादरी के नाते गए हैं। अच्छा, ये आपको, अरे भाई अपार सोलंकी यादव है क्या? देखिए, सोलंकी यादव एक अपवाद हो सकते हैं, चले गए होंगे मिलने, गलती से अपवाद क्यों हो सकते हैं? आजम खान जेल से बाहर है तो आप वहां तो जा नहीं सकते। एक इंसान से मिलने निकलिए, थोड़ी बात है, अपवाद क्यों? देखिए, आजम खान जेल से बाहर है, 27 महीने रहे जेल में नहीं गए, अब वो जेल से बाहर है तो मजबूरी में चले गए, वरना वो सोलंकी से भी मिलने नहीं जाते, क्योंकि ये बहुत आरोप लगा उनके ऊपर कि जो है आजम खान से मिलने नहीं गए, लेकिन सोलंकी से मिलकर आजम खान की जो शिकायत जो थी, और जो उस समय का जो था कि अपने इस कद्दावर नेता से मिलने नहीं गए, जो पिताजी और चाचा जी के साथ, कद्दावर नेता सपा में है ना अभी? अब नहीं है, सपा छोड़ी तो नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप, सपा में नहीं है? उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई, नेता सपा के हैं अभी भी, जनता भी उनको भूल चुकी है कि इस नाम का कोई नेता था, इसीलिए बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी वहां पर आ रही। अच्छा, क्योंकि आजम खान का परचस जो गुंडागर्दी थी वो समाप्त हो चुकी, मैनपुरी और खतौली जीती भी है,
देखिए खतौली और मैनपुरी जो खतौली की जो आप बात कर रहे हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट जीती है जो भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी की नाक थी, रामपुर सीट। अच्छा खतौली आप, उनके खतौली जो कद्दावर उनके हलक उनकी हलक में हाथ डालकर हमारे कार्यकर्ताओं ने वो सीट रामपुर की छीनी है, जिससे पूरे प्रदेश में इनकी थूतू है। और ये साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। खतौली 8 महीने पहले जीत के आए थे, खतौली विषय नहीं है, विषय था रामपुर जो नाक की सीट थी। अच्छा खतौली नाक की सीट नहीं थी, 8 महीने पहले जीत के आए फिर हार गए। खतौली नाक की सीट नहीं थी, खतौली जो है वो चुनाव हारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रामपुर समाजवादी पार्टी की जो सीट थी वो आजम खान की प्रतिष्ठा थी, उसको हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने तार तार किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात दिन बूथ पर मेहनत करके उस सीट को जिताने का काम किया। ठीक है ठीक है ठीक है। मनोहर भाई भाई आपकी यात्रा 3 जनवरी को आ रही भाई उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए कि हाथों पर पतनी शुरू हो गई है और आपके नेता भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी पत्र मतलब लिखा है सलमान खुर्शीद ने यात्रा में शामिल होने के लिए, और कांग्रेस आरोप लगा रही कि बीजेपी कोरोना का भय दिखाकर यहाँ पर कांग्रेस की यात्रा से भयभीत हो गई है और रुकना चाह रही है। देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, इससे घबरा गई आपसे आपसे नहीं। देखिए हम तो एक मिशन एक उद्देश्य के साथ जो है, राहुल गांधी जी ने इस यात्रा की जो शुरुआत की जनता के आशीर्वाद से और प्रभु की कृपा से, लोगों में जो सकारात्मक जो आज काले बादल हैं, अनिश्चितता का अभाव का दौर है, असुरक्षा का दौर है, उसमें एक विश्वसनीय आवाज एक दृढ़ विश्वास बन के जो उनका विजन है जो उनका उन, 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 उनका तरीका है जो उनकी सोच है उसमें परिणित होते धीरे धीरे दिखाई दे रहा है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी स्वाभाविक प्राकृतिक मूवमेंट जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो, जन अधिकारों की बात हो, जो उपेक्षित हमारे लोग हैं जो अपने अधिकारों से सरकार की अनदेखी से वंचित हैं, उन सबको कोई स्वर कोई बल कोई ताकत का एहसास हो तो सरकार ये घबरा जाती है, क्योंकि उसका कारण है ये सरकार मिथ्या प्रचार बोगसबाजी फरेब मीडिया मैनेजमेंट जो लोगों मीडिया मैनेजमेंट क्यों बोलते हैं आप लोग, क्या आप जागरूक हैं, आप जानते नहीं इस सच्चाई को अनदेखी की जा सकती है। मीडिया पे आरोप क्यों लगा रहे हैं, मीडिया पे सब आप जैसे लोगों पर नहीं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अधिकतर इनका जो प्रयास ये रहता है, लेकिन कुछ ईमानदार बेखौफ प्रवृत्ति के जो लोग हैं आप जैसे काफी लोग हैं उनके वजह से ये लोकतंत्र का स्तंभ मजबूती से खड़ा है। लेकिन इन्होंने पूरी अपने रिसोर्सेज अपनी ताकत अपनी प्लानिंग हर वो शक्ति को जो इनको आईना दिखाने का काम करती है, हर वो संवैधानिक संस्था हर वो स्वतंत्र निष्पक्ष आवाज हर वो बुद्धिजीवियों की बात सबकी अनदेखी करने का काम किया है और किसी भी हद तक उसको दबाने के लिए ये प्रयत्नशील रहते हैं, ये हम आप साक्षी हैं, इसके पूरा देश साक्षी है। तो अच्छी बात है जितने भी लोग आए, ये केवल सिर्फ एकमात्र पार्टी की बात नहीं है, पार्टियां तभी स्वाभाविक रूप से अपना कार्यक्रम कर पाएंगी जब देश में डेमोक्रेसी की स्पिरिट जन अधिकारों की बात सरकार से आंख में आंख डाल के मुद्दों की बात किसानों की महिलाओं की सरकार की जिम्मेदारियों को उसका एहसास कराया जाएगा तो इसमें सबको आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी पहल करती रहती है, आज खुर्शीद साहब ने पहल की, बेहतर है, आना चाहिए, स्वागत है, आए इसको और बल दें। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ कुशासन असंवैधानिक आचरण मिथ्या प्रचार पे जो टिकी हुई इनकी सोच है, जुमलेबाजी वाली सरकार है, तानाशाही सत्ता के नशे में दम में चूर ये सरकार है, इनको धरातल पे इनको वास्तविक स्थिति से इनका संबंध इनका उदाहरण पेश करना चाहिए। अच्छा इनका संबंध नहीं है वास्तविक स्थिति से, कहाँ है कहाँ दिख रहा है? अब आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश बुद्धिजीवियों से पहचान उत्तर प्रदेश की है, एक से एक उच्च रिसर्च संस्थान हो, उच्च शिक्षण संस्थाएं हो, उसमें आप उत्तर प्रदेश की मशीनरी देखिए,
ये योगी जी को मैं बहुत कोई सख्त आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं और शिक्षा का मजाक उड़ा दे रहे हैं, और उदाहरण उत्तर प्रदेश को बनाया जा रहा है। अच्छा। उसमें उस व्यवस्था से कौन से लोग जुड़े थे, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। सपा प्रमुख की व्यवस्था से कौन लोग जुड़े थे, वो सभी अक्षम लोग हैं, उनको शिक्षा से, संस्कृति से, विद्वता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उनका। तो ऐसे अनट्रेड बेवकूफ ना समझ लोगों को बचना चाहिए, अंततः उत्तर प्रदेश की बदनामी। वरुण भाई जी, सपा प्रमुख का मुलाकात कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, सपा प्रमुख को अधिकार है पूरा मिलने का, वो अपने पार्टी के नेताओं से, कोई भी पार्टी के मुखिया नेता मिलना चाहते हैं, और इस जो झूठ फरेब की जुल्मी सरकार, जुल्मी सरकार करने वाली सरकार है, इसके खिलाफ सैद्धांतिक रूप से किसी भी नेता को तत्पर रहना चाहिए और अपना बल देना चाहिए। सपा भाई, जुल्मी सरकार है आपकी भाई, या सपा प्रवक्ता ने बोल दिया, बिरन भाई बोल रहे हैं, बिरन भाई बोल रहे हैं। यही मैं कहना चाहूंगा कि 70 साल देश में हुकूमत करने के बाद जो कत्लेआम इस देश में हुआ, अच्छा, उसकी जिम्मेदारी क्या भाजपा ले ले क्या? अच्छा, भागलपुर, मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, देश की आजादी में ऑन रिकॉर्ड 15 लाख, और वैसे अगर आप किसी से चर्चा करेंगे तो 40 लाख से कम नहीं बताएगा कि इतने लोगों की मृत्यु हुई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, लोग कांग्रेस को जो निशान इनका ये है पंजा, उसको खूनी पंजा लोग कहने लगे थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश और भारत की जनता खूनी पंजा के नाम से जानते हैं। खूनी पंजा कहते थे तभी आप मुरादाबाद के जवाब दिया, मुरादाबाद की ईदगाह में जो मुसलमानों पर गोलियां चली उसका कौन जवाब देगा? ये विरोधाभासी बात समझ नहीं, आप बताइए, मुरादाबाद में मुसलमानों पर ईद के दिन गोलियां चलाई कौन जवाब देगा? भागलपुर में जो अत्याचार हुआ कौन जवाब देगा? अरे आज के सवालों का सीधा जवाब कौन देगा? आज के सवालों से आप बच नहीं सकते, आप जनता को डरा नहीं सकते, आप कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगा नहीं सकते, आप झूठ भरे बंद करिए, आप मुसलमान नहीं, आप झूठे इंसान है। आज समय आ गया है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान का सवाल आपकी सवाल सच्चाई का है, सवाल जनाधिकारों की बात का है, सवाल आपकी सोच का है, सवाल आपकी घातक विधंसक का है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। भाई मैं कह रहा हूँ कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहा है वरुण भाई कि आप लोग लिख के आए क्या बाच रहे कथा सी? ये लिख के नहीं आया नहीं, गौरव जी, ये हर मुसलमान का दर्द है। अच्छा। ये हर मुसलमान का दर्द है, 70 साल में जो अत्याचार कांग्रेस ने किए, भागलपुर, अच्छा। मलियाना, मेरठ, आपने याद है मुरादाबाद की और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने गोली चलवाने का काम किया, और उसके बाद कर्फ्यू लगाकर 40 लड़कों को घरों से निकालकर कैनाल नदी पर गोली मारने का काम किया। कांग्रेस की सरकार में अत्याचार हुए भाई साहब, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2 विधायक, इसीलिए उत्तर प्रदेश में 2 विधायक, इसीलिए आपके उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 2 विधायक हैं कांग्रेस के, सिर्फ इसी वजह से ये मुसलमानों का, मुसलमानों पर अत्याचार, मुसलमानों, मुस्लिम समाज के लोगों की बदवाएं, मुस्लिम समाज के लोगों की बदवाएं कि आप सत्ता से बाहर हो, आपके राजकुमार सड़क पर सवाल करेगा, उत्तर प्रदेश सड़क पर निकालने
करने का काम करेंगे। जब तक कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता सिपाही है, गौरव भी होने वाला नहीं है। आप होश में रहिए। उत्तर प्रदेश के एक एक जनता ने देखाना है कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। विनोद जी कांग्रेस मुक्त भारत होगी। अच्छा, आपको संवैधानिक काम करने की। अरे भारत जोड़ो यात्रा निकलने की, कैसे मुक्त भारत करेंगे? समय का इंतजार करिए। आज दो विधायक हैं, अगले चुनाव में 27 सपाल भाई, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है। तोड़ो यात्रा का तोड़ो यात्रा बोलने लगे। 70 साल तोड़ने का ही काम तो किया, नफरत फैलाने का काम किया, मुसलमानों पर जुल्म करने का काम किया, मुसलमानों का कत्लेआम करने का काम किया। ये कांग्रेस का दौर है। अच्छा, डर है। ये कांग्रेस का कार्यकाल, ये कांग्रेस का कार्यकाल था। बंटवारा किसने कराया? बंटवारा किसने कराया? 15 लाख लोगों का ऑन रिकॉर्ड मरे हैं उस बंटवारे के अंदर। अच्छा, भारत माता के टुकड़े किसने करवाए? अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की देन थी। ये कांग्रेस के देन थी। अच्छा, क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? दो विधायक जीत कर यात्रा निकालेंगे? अच्छा, खाक छानने की काम ये है। अरे कैसे सरकार है भी, हिमाचल सरकार बनी है भाई। ये राहुल गांधी जी हिमाचल सरकार बन गई, यात्रा कर रहे हैं, आपको हरा दिया भाई। कोई लाभ नहीं होने वाला, हिमाचल में सरकार बना लिया, आपको हरा दिया। दो विधायक उत्तर प्रदेश में, शर्म की बात है। जो कहती थी मैं राष्ट्रीय पार्टी हूँ, दो विधायक। अच्छा, और 27 राष्ट्रीय पार्टी हूँ नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है भाई। 27 में आपको एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए देखिए, समस्या नितिन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। नितिन भाई बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, आप बात पर कुछ बोल लीजिए भैया, बोल लीजिए। गौरव भाई जी, जब रेगिस्तान में तूफान आता है तो कहते हैं वो चिड़िया अपनी चोंच जो है रेत पे दबा लेती है। अच्छा, तो उसको यह लगता है कि अब तूफान टल गया। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो रामपुर नाक का सवाल था। अच्छा, ठीक, खतौली नाक का सवाल नहीं था। अच्छा, मैनपुरी नाक का सवाल नहीं था। हाँ, दिल्ली भी नाक का सवाल नहीं था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश भी नाक का सवाल नहीं था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश हार गए बोले कोई बात नहीं, इससे कौन सी मेरी नाक कटती है। दिल्ली हार गए एमसीडी बोले इससे मेरी नाक नहीं कटती है। मैनपुरी हार गए इससे नाक नहीं कटती है। खतौली हार गए इससे नाक नहीं कटती है। बहुत दूर है आप, क्षेत्रीय दलों का है भाई, फिर बात करते हो, सोच समझ के बात करो। जनता जानती है आप क्षेत्रीय दलों भाई। सपर भाई, सपर भाई, क्षेत्रीय दल का अधिकार नहीं है। सपर भाई बोले, सपर भाई, सपर भाई बोले दीजिए इनको। नितिन भाई बात पूरी करिए, बोले सही से, बोले सही से जवाब मिलेगा। बोले नितिन भाई, बोलिए 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 नितिन भाई बोलिए। दूसरी, अब दूसरी बात देखो, हम बोलेंगे तभी जब ये चुप रहेंगे। हम मछली मंडी वाले नहीं, इनका धंधा हो सकता है मछली मंडी का, इनका धंधा हो सकता है, मेरा नहीं भाई। मैं अधिवक्ता हूँ, अपनी बारी का बोलता हूँ। होंगे हाईकोर्ट जाइए, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं बताइए। आदम खा से मिलने क्यों नहीं गए अखिलेश जी? 27 महीने शरम आनी चाहिए। आप बताइए, शरम आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, आप बताइए, आपकी पार्टी यादववादी पार्टी, कल्याण सिंह जैसा व्यक्ति, पार्टी यादववादी पार्टी है, जय श्री राम के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सामने 6 साल के बच्चे को पटक कर जमीन में मुसलमान को मार सकते हैं, दंगाइयों की वकालत करते हो? अरे भारतीय जनता पार्टी तो घोषित रूप से पूरा प्रदेश जानता है कि दंगाई है। दंगा करने वाले कौन लोग थे? पूरे प्रदेश में दंगा फैलाने का काम और दंगा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बदनाम है पूरे देश और प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी। चाचा के दोस्त थे क्या? ये बताओ, सुबोध कुमार सिंह को मारने वाला कौन था? ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, मॉब लिंचिंग करने कौन निकलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, ये बलात्कारियों का स्वागत करने वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का सम्मान करने वाली, दंगाइयों का सम्मान करने वाली, चिंता मसाज कराने वालों का सम्मान करने वाली पाखंडी पार्टी भारतीय जनता पार्टी? जब प्रदेश का जवाब नहीं दे पाते, जनता का जवाब नहीं दे पाते, तो सिग्नल चिराने का काम करते हो? ऐसे चाहिए, छोड़ो, तुम्हें शर्म आएगी। इस देश का मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। कौन कभी करता है? मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कौन दंगाई थे? ये दंगाई समाज जैसे गद्दार है, तो समाज के देशद्रोही भी है, राष्ट्रद्रोही भी है, गद्दार है। जवाब दीजिए, तो शर्म आनी चाहिए। गद्दार कहीं गया? कौन का गद्दार? आप भी बीजेपी में आओगे कुछ दिन? कौन का गद्दार? कौन का गद्दार? समाज का गद्दार। गद्दार आपने मुसलमानों को नरोज समझा, इस्तेमाल करके फेंक दिया। आजम खां के नाम पर आप मिलने क्यों नहीं गए?
बताइए आपका नेता अखिलेश यादव वहां से मिलने क्यों नहीं गया? बताइए आप मुसलमानों को निराश समझते हो? शर्म नहीं आती आपको? इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को पता है? चलिए आजाद बताइए करता है भारतीय जनता पार्टी की आपको दलाल कहेगा आपकी औकात बताएगा दलाल कहेगा गंदे आदमी जाहिल कहेगा आपको जवाब देगा जिसको आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके फेंक दिया। आपने कितने स्कूल बनाए मुस्लिम लड़कियों के लिए? जवाब दीजिए मुसलमान तुम्हारे जैसे गद्दारों का मुंह फूंक देगा। आज कौशल विकास के नाम पर मुसलमानों के लिए योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चला रहे हैं, सीखो कमाओ योजनाएं चल रही हैं। आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? दलाल हो तुम, दलाल हो, गद्दार हो, समाज के गद्दार हो, इंसानियत के दुश्मन हो, इंसानियत को कलंक करने वाले लोग हो। मसाज कहां से कराया? भारतीय जनता पार्टी इंसानियत को कलंकित करने वाली पार्टी है, मानवता को कुचलने वाली पार्टी है, जिसके गुंडों में भगवान रामचे डालकर छह साल के बच्चे को पटक के मारा हो, वो पार्टी तो गद्दारों की पार्टी नफरत करने वाले आप मुसलमानों के दुश्मन हो, नफरत करने का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, नेताओं का इतिहास दुश्मन हो, मुखबिरी करने का इतिहास है। सत्ता से बाहर हो, मुसलमानों ने सत्ता के बाहर हो, सत्ता से बाहर हो, अपनी हैसियत पहचानो, सत्ता से बाहर हो, मुसलमानों के साथ अन्याय किया तुमने, इसीलिए सत्ता से बाहर हो, मुसलमानों से अन्याय किया, रोजा के नाम पर तुमने बेवकूफ बनाने का काम किया, सफर भाई हो गया देश को बंटवारे करने का प्रस्ताव हराम पैसे से रोजा आप कराया ठीक है ठीक है हो गया बाकी मेहमान भी है। सफर भाई नितिन भाई प्लीज सफर भाई हो गया सफर भाई ऐसे नहीं हमारे साथ इमरान लतीफ भी जुड़े हुए हैं। इमरान भाई कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। देखिए मैं यही देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो, देश और प्रदेश की प्रमुख पार्टियों ने बहस को कहाँ ले जाकर पहुंचा दिया है। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछे थे और मैंने इस डिबेट के अंदर भी भाजपा के प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछे थे कि इन्वेस्टर समिट के नाम पर जो जनता की आंख में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, ये कोई लाख का घोटाला नहीं है, ये कोई करोड़ का घोटाला नहीं है, ये इन्वेस्टर समिट के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। विदेशों में सैर सपाटे का इंतजाम किया गया, मंत्रियों का, विधायकों का, अय्याशी करने के लिए रास्ते खोले गए और यहां पर मसाज का सवाल पूछ रहे हैं कि ये मसाज कहां से करा के आए? कौन मसाज? आज अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता मसाज करा के आए, भाई सवाल पूछ रहे थे भाई और सैर सपाटे के लिए और जो पार्टी मसाज कराने की ब्रांड एम्बेसडर हो, चिन्मयानंद जिस पार्टी की गोद में खेलता हो, वो पार्टी आज सीधे साधे प्रवक्ता से इस तरह का सवाल कर रही है तो हंसी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं सीधे कहना चाहता हूँ इस तरह की बहस गौरव भाई इस तरह की बहस में आम आदमी पार्टी उलझना नहीं चाहती। मैं अपने सम्मानित मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि मात्र 25 इंप्लाई वाली एक फर्जी यूनिवर्सिटी के साथ एक फर्जी एमओयू क्यों साइन किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इसका जवाब दें। इन्वेस्टर समिट के नाम पर अरबों रुपए देश की जनता के लुटाए गए, प्रदेश की जनता के लुटाए गए, कितना रोजगार का सृजन हुआ, कितने लोगों को नौकरियां दी, आंकड़ेबद्ध तरीके से यह बताने का काम करें उत्तर प्रदेश की जनता को। बाकी की फिजूल की बहस में आम आदमी पार्टी को और प्रदेश की जनता को जरा भी दिलचस्पी नहीं है। गौरव जी बोल लीजिए, इमरान जी ने जो बात कही, इनके प्रवक्ता हाँ, और सांसद हाँ, संजय सिंह ने जो उत्तर प्रदेश में हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाँ, मैं उस पर सीधा एक ही जवाब देना चाहूंगा हाँ, कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हाँ, आरोप लगाकर यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका है। और रही बात हाँ, इन्वेस्टर जो आए हैं उसका जवाब आपको 2024 के चुनाव में मिल जाएगा। चुनाव में जवाब ये जनता का काम है, बात कर रहा हूँ, जनता का काम है जवाब देना। जनता के साथ काम नहीं होगा तो जनता मुझे जवाब देगी। आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना बंद करिए, जनता को भ्रमित करना बंद करिए। जवाब देना पड़ेगा, जवाब आपको मिलेगा 2024 के चुनाव में। जवाब आपको जनता देगी। जवाब 24 में जनता देगी। हमारा काम है काम करना, हमारी पार्टी का काम है काम करना और जवाब देना जनता काम है। जवाब देना जनता का काम है, 24 में जवाब देगी।
24 में जवाब देगी, जवाब देना जनता का काम है, जनता जवाब देगी आपको, 24 में जवाब देगी, 24 का चुनाव करीब है, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा 24 के चुनाव में कि जनता किसके साथ है। आपने आरोप लगाया हमने 17 का चुनाव जीता, आपने आरोप लगाया हमने 19 का चुनाव जीता, आपने आरोप लगाया हमने 22 का चुनाव जीता, आप आरोप लगा रहे हम 24 का चुनाव जीतेंगे और जनता के दम पर जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए 24 घंटे काम करती है, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। ये बलात्कारियों की पार्टी, ये बच्चा चोरों की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, कुलदीप, आप देखिए अभी 24 के चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा, 24 के चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा, 24 के चुनाव में आपको जवाब मिल जाएगा, जिस तरह आपको 22 में जवाब मिला उसी तरह 24 में मिलेगा, जैसे आपको 22 में मिला वैसे आपको 24 में मिलेगा, जैसे 22 में मिला वैसे आपको 24 में जवाब मिलेगा। समय का इंतजार करिए, आपको जवाब जनता देगी, आपको जवाब जनता देगी, आपको जवाब जनता देगी, इसका जवाब आपको जनता मिलेगा, इसका जवाब आपको जनता से 24 में मिलेगा, इसका जवाब आपको जनता 24 में देगी, 24 में सभी दलों को जवाब जनता आपको देगी और देने वाली है। समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, 24 के चुनाव में इंतजार करिए, आपको सारे सवालों का जवाब जनता देगी, सारे सवालों का जवाब आपको जनता देगी, सारे सवालों का जवाब जनता देगी 24 में, सारे सवालों का जवाब जनता देगी 24 में, जनता देगी 24 में। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, 22 में जवाब दिया 24 में भी मिलेगा, 22 में जवाब मिला 24 में भी मिलेगा, 22 में जवाब मिला 24 में भी मिलेगा, 22 में जवाब मिला है 24 में भी जवाब जनता आपको देगी और पूर्व मोदी सरकार हमारी मिलेगी। बिल्कुल 22 में एमसीडी के अंदर मुंहतोड़ जवाब दिया है इनको आम आदमी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश में जवाब दिया, अब 27 में 24 में आ गई है, अरे समाजवादी पार्टी समझ रहे थे, आप कांग्रेस पार्टी समझ रहे थे, जवाब दिया राष्ट्रीय पार्टी है, सीने पे चढ़ के दाल मांग रहे हो, दिल्ली में क्या हो, दिल्ली में क्या हो, दिल्ली जैसी पार्टी, दिल्ली जैसी पार्टी, मोदी अरे आपको जवाब मिलेगा, राष्ट्रीय पार्टी है, सीने पे चढ़ के दाल मांग रहे, गुजरात में जवाब मिलेगा आपको, राष्ट्रीय पार्टी बने गुजरात से, कहा हो 13% वोट लिया, आपको सरकार बना रहे थे, गुजरात में सरकार बना रहे थे, क्या हुआ, वहाँ की जनता ने दौड़ा के मारा आपको, आपको कितनी सीटें आई, बताइए कितनी सीटें आई, बताइए कितनी सीटें आई, कितनी सीटें आई आपकी, कितनी सीटें आई आपकी, आप सरकार बनाने गए थे, आप सरकार बनाने गए थे, आप सरकार बना रहे थे गुजरात में, आपकी औकात बता दी वहाँ की जनता ने, बताइए गुजरात में आपको औकात बताई कि नहीं बताई, आपकी औकात बताई जनता ने गुजरात की कि नहीं, आपकी औकात आपको बताई जनता ने, आपकी औकात बताई आपको, आपकी औकात बताई गुजरात में, आपकी औकात बताई गुजरात में, गुजरात की जनता ने आपको आपकी औकात बताई, गुजरात की जनता ने आपको आपकी औकात बताई, गुजरात की जनता ने आपको आपकी औकात बताई, आप सरकार बनाने गए थे, ठीक है आप सरकार बनाने गए थे, सरकार बनाएंगे गुजरात में आप, गुजरात मॉडल देश में चल रहा है मालूम है आपको, गुजरात में सरकार बनाएंगे, गुजरात में गए, गुजरात में सरकार के लिए गए थे आप, गुजरात में काहे के लिए गए थे, जवाब दीजिए, गुजरात में काहे के लिए गए थे, गुजरात से गुजरात में पंजाब में की औकात बता दी गई, पंजाब में भाजपा की औकात बता दी गई, पंजाब की जनता ने गुजरात से बाहर, गुजरात से बाहर सरकार बनाने गए थे, सरकार बनाएंगे आप, पंजाब में इनकी औकात बता दी गई थी, हिमाचल में इनकी औकात बता दी, भारतीय जनता पार्टी की जनता ने बता दी, और सुनिए गौरव भाई बता दी, हम लोग डिबेट करने आते हैं, इतनी एनर्जी नहीं है कि हम इतना सरदर्द झेल पाए, हम ऐसे जाहिलों से बहस नहीं करना चाहेंगे आगे के लिए, भूल गए दिल्ली एमसीडी में क्या हुआ था 17 में बताई, अरे दिल्ली एमसीडी में क्या हुआ था ये भी तो बताओ, औकात बताओगे 17 की औकात बताओ, क्या हुआ दिल्ली में, गुंडा प्रदेश दिल्ली में 2020 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, पंजाब में 2022 में क्या हुआ, अरे भगा दो प्रदेश देखिए जवाब दो, दंगा प्रदेश दंगा प्रदेश दंगा प्रदेश उत्तर प्रदेश, दंगा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश था जिसने विकास की गंगा बहाई, जिसने 302 किलोमीटर का हाईवे बना के दिखाया, दंगा प्रदेश उत्तर प्रदेश को मेट्रो प्रदेश बना के दिखाया, इस प्रदेश को किस नाम से संबोधित है, दंगा प्रदेश के नाम से संबोधित होता था, दंगा प्रदेश अखिलेश यादव जी के राज में, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बना था आदरणीय अखिलेश यादव के राज में, 17 में लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं मेमोरेंडम क्यों,
गलत साइन हुआ वो जवाब दे रहे हैं कहां का भाई जवाब दो कि ये फर्जीफिकेशन क्यों ये पाखंड क्यों ये भ्रष्टाचार क्यों इसीलिए सत्ता से बाहर हो पाखंड किया भ्रष्टाचार किया क्यों लेके आ रहे हो ये जाहिल लोग पाखंड किया भ्रष्टाचार किया सत्ता से बाहर हो सत्ता में बाहर सफर भाई बाईस में बाहर ज्यादा सरकार में हाईवे बना मेट्रो आई इकाना स्टेडियम बनवाया रिवर फ्रंट बढ़िया कराया विकास किया आप लोग कुछ नहीं किए ये इनको विकास नहीं दिखेगा अच्छा विकास जनता को दिख रहा है जनता हमको चुन रही है अच्छा। दो शब्दों का एक जवाब है बस अच्छा ठीक है और जनता हमको 24 में भी चुनेगी काम के दम पर गौरव जी सार्थक चर्चा स्वस्थ वातावरण में हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बड़े सक्रिय है ऊर्जावान है लेकिन मुझे लगता है ज्यादा ऊर्जा लेके आते लगता है नहीं इनकी कोई सोच बचपन की अच्छा ये लगता है डिबेट में नहीं बी ग्रेड पिक्चर में ऑडिशन देने आए हैं अच्छा अच्छा इसलिए अतिरिक्त एकदम ऊर्जा लगा देते हैं और उस क्या बात कर रहे हैं आप बी ग्रेड पिक्चर में ऑडिशन देने आए हाँ बिल्कुल डिबेट में नहीं आए अरे भाई विनोद भाई मैं बिल्कुल नहीं आया इससे हम लोग सहमत हैं आप लोगों की बेइज्जती बस कराते हैं संबंध कर देते हैं कोई कोई सार्थक बात नहीं आप बातचीत कर सकते हो कोई सार्थक मैसेज नहीं जा सकता है मुसलमानों को जाहिलियत का प्रचार वो नहीं दिखेगा करते हमारे तमाम साथियों के बीपी और सत्तर कमेटी की रिपोर्ट बताती है सत्तर कमेटी की रिपोर्ट बताती है उसको भी ध्यान कर लीजिए आपने आप रहे आपने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया आज उस रिपोर्ट को आपने लागू किया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आपने अपने कार्यालय में लागू किया सुन लीजिए बोले बताइए सच्चर की मोट सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आपके सरकार में आई जिसके उसको आपने लागू क्यों नहीं किया बताइए मुसलमानों के हमदर्द हो तो जो ये पूरे नहीं हुए उस तनाव में इस तरीके का ये कैमरा पूरे नहीं हुए मुझे लगता है इस जन्म में पूरा नहीं होगा तो भाई उसके लिए खेद है आपको बुरा लगे तो कृपया ऐसा वातावरण यहाँ मत बनाया करिए स्वस्थ चर्चा गौरव जी कराते हैं सार्थक चर्चा के माध्यम से जनता का देखने वालों का कुछ भला हो इस पर अपनी जनता का भला हो रहा है जनता का भला हो रहा है मैं मुस्लिम समाज से हूँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे भागलपुर मलियाना मेरठ इसका जवाब कौन देगा उसी का नतीजा है कि आप दो विधायक लेके बैठे हुए हो और सत्ता से बाहर सार्थक चर्चा है आप जवाब दीजिए इसका जिम्मेदार कौन इसका जिम्मेदार कौन अच्छा देखिए जिम्मेदार कौन को सफर भाई योगी आप नामकरण कर लिए क्या गैर मुसलमान है देखिए गौरव जी एक लाइन योगी जी को चाहिए एक अच्छे मनोचिकित्सक से देख के ऐसे भाजपा प्रवक्ताओं की जांच किया जाए अच्छा। और उसमें हम और सपा के साथी और आपके जो भी आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार है आप मन से कह रहा हूं आपको सहयोग करेंगे अगर सरकार नाकाम है पप्पू जी खर्चा करने में हमें मनोचिकित्सक को फीस हम दे देंगे इसकी जांच करा देंगे भाई पागल हो गया अरे पप्पू पागल हो गया पैदल चल रहा है आप मेरे अरे पप्पू पैदल चल रहा है अरे वो दिमागी संतुलन खो बैठा है सत्ता चली गई दिमागी संतुलन खो बैठा है पैदल चल रहा है जाहिलियत की बात कर रहा है मुझे अच्छी अच्छी गालियां देने का मन कर रहा है जाहिलियत क्या एक राष्ट्रीय नेताओं को इस तरीके भाषा का इस्तेमाल पप्पू क्यों बोल रहा है पप्पू क्यों बोल रहा है अभी मैं कहूँ की अमित शाह हम लोगों की भाषा खराब हो जाती है जवाब दे दीजिए इसकी हैसियत जवाब दे दीजिए ताकि चूता उठा सके 27 महीने में आजम खान से मिलने क्यों नहीं गए अब तो टिप्पणी कर रहा है एक गधा आदमी है इसके साथ कभी आज के बाद मत बैठा करिए मैं आज माफी मांग रहा हूं अगले डिबेट पर कभी नहीं बैठूंगा प्रवक्ताओं ने पूछा ये फर्जी जनरल कौन सा है इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं की बातें कर रहे आज की डिबेट पर आओ ये बताओ की फर्जीफिकेशन क्यों फर्जी एमएलयू क्यों साइन हो रहे हैं ये तमाम फ्रॉड क्यों हो रहे हैं 2027 साइन हो गया ये जाहिल लोग है इनको ना पढ़ना है ना लिखना एजेंडा सिर्फ भाजपा को ट्रेनिंग दे के भेजती है ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ये न्यूसेंस वाले लोग हैं ये प्रवक्ता हो नहीं सकते इनको कहा जाता है कि जवाब मत देना न्यूसेंस क्रिएट कराना जाकर के तो ये हमारे आप जैसे लोगों के बीच में
ये हमारी एनर्जी को बर्बाद करने आते हैं, ये हमें न्यूज़ क्रिएट कराते हैं, हम लोगों को उकसाने का काम करते हैं, फिर हम लोग उनको तीखा जवाब देंगे, हम लोग अपनी भाषा खराब करेंगे, ये चप्पल चोरों की पाखंडियों की मुखबिरों को जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके नुमाइंदे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं। देश की आजादी में जिसका कोई योगदान नहीं है ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग फर्जी राष्ट्रवाद का पाठ लेकर के आते हैं। मैं फर्जी राष्ट्रवादी आपकी तरफ से जवाब दीजिए, नितिन जी एक प्रश्न पूछता हूँ जवाब देते हैं, मैं मान लू का नेता है। हाँ बोले बोले, गौरव जी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, बोले बोले बोले, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका जवाब दिलवा दीजिए। बोले बोले नितिन भाई बोलिए। गौरव जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी राजस्थान की एक बेटी ने अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है जी, उसका नाम बता दीजिए, बता दीजिए, मान लूंगा ये राष्ट्रवादी लोग हैं। बोले बोले चलिए, अभी अभी एक भारत की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है, उस बेटी का नाम बताइए। मैं जान जाऊंगा कि राष्ट्रवादी लोग हैं। नितिन जी मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, बोले बोले। आप हमें ये बता दीजिए 27 महीने में आपकी पार्टी के एक जवाब कहा दे रहा है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, पहले उसका जवाब दो, जवाब दो पहले। 27 महीने एक आपकी पार्टी का वरिष्ठ नेता अपने परिवार के साथ जेल में था। मैं चाहिए अपनी जाहिलियत का परिचय दे रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी राष्ट्रवादी बन रहा है गवार कहीं का, आप मुझे जवाब दो, ना लायक कहीं का, आप जवाब दो। 27 महीने आपके साथ जेल में बंद था मुस्लिम समाज का, आप मिलने क्यों नहीं गए? 27 महीने में आप मिलने गए थे क्यों नहीं गए? तेरे जैसे लोग पागल खाने में होना चाहिए था। आप पूछ रहे आपसे आप मुझे बताओ 27 महीने पत्नी चली जाती, उनकी पत्नी चली जाती, संपत्ति आपकी औकात उत्तर प्रदेश की, आप चर्चा थी कि अखिलेश यादव मिलने गए यहाँ पर दीपनारायण सिंह यादव से, यहाँ चर्चा थी कि इरफान सोलंकी से मिलने गए, यहाँ चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यहाँ पर बीजेपी की योगी सरकार पर आरोप लगाए। अब आरोप प्रत्यारोप और इसके साथ साथ जो मुलाकात है उसका सिलसिला जारी रहता है। भाई अगर कोई साथी है, कोई हमारा कार्यकर्ता है, कोई हमारा विधायक है, तो उससे मिलने जाना किसी भी पार्टी प्रमुख यानी पार्टी के मुखिया और उस परिवार के सरदार या उस परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी सामाजिक भी होती है, ये जिम्मेदारी नैतिक भी होती है और ये जिम्मेदारी राजनीतिक भी होती है। पूर्व में क्या किया, मिलने नहीं गए, उसका खामियाजा भी भुगता गया है, और पर अब बदलाव करना है और पुरानी व्यवस्थाओं से अलग रहना है, और कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, उस नीति को अपनाते चलना है, और आने वाले समय में भी इस तरह की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। राजनीति होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे और होंगे यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था, व्यवस्था के बीच में यात्राएं भी चलती रहेंगी, मुलाकातें भी चलती रहेंगी, राजनीतिक बयानबाजी भी चलती रहेगी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है हर मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, उस मुद्दे पर आम राय रखना महत्वपूर्ण है। डिबेट में चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, डिबेट में किसी पर अपशब्द कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इससे दूर रहिए। डिबेट का सार्थक यही है कि मुद्दे का एक परिणाम निकालिए, निष्कर्ष निकालिए, और निष्कर्ष ये है कि राजनीति में अगर कोई मुलाकात होती है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी भी होती है मुलाकात और नैतिकता भी होती है मुलाकात, और आरोप प्रत्यारोप जो आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं उस पर भी जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा और देना पड़ेगा, पर व्यवस्थाएं राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पर राजनीति बात से नहीं दिल से होती है, और जहाँ दिल से राजनीति होती है वहाँ परिणाम आते रहते हैं। अब परिणाम बदलेंगे
या परिणाम यही चलते रहेंगे या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जुड़े रहिए, संघर्ष करते रहिए, और जो हमारे देश की व्यवस्था है कि संघर्ष धरातल पर ना कि ट्वीट पर, तभी परिणाम बदलेंगे, नहीं जो हवा चलती रही है वो चलती रहेगी। और चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।